आधुनिक तकनीक जो है वो भारत में ही निर्मित की गई है। तो दक्षिण भारत के दो दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, और अभी कुछ देर में इसी वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो कि चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसी ट्रेन की सौगात मिलने वाली है बेंगलुरु वासियों को। देश की पांचवी, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, जिसकी शुरुआत आप देख सकते हैं, ये ऐतिहासिक पल जिसके साक्षी हम बन रहे हैं, इसे हरी झंडी दिखाएंगे अभी कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके साथ ही कुछ देर में भारत गौरव काशी जो ट्रेन है उसको भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आप में सुगमता के लिहाज से काफ़ी अहम, और जब हम बात करते हैं कि एक एक्सपीरियंस यात्रा का सुगम बनाता हुआ, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस को, पांचवी ट्रेन दक्षिण भारत के लिए, झंडी दिखाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस, देश की पांचवी, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चेन्नई बेंगलुरु मैसूर की जो कनेक्टिविटी है आप देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहाँ मौजूद हैं, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से वंदे भारत गतिशीलता को आगे बढ़ाती हुई, और ये जब पटरी पर वंदे भारत चलती है तो कहीं ना कहीं देश की आर्थिक व्यवस्था की एक मजबूत तस्वीर आप देख सकते हैं। तो वंदे भारत चल पड़ी है, देश की पांचवीं, दक्षिण भारत की पहली ट्रेन वंदे भारत, जिसे हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, साथ उनके मौजूद थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और बता दें कि चेन्नई मैसूर वंदे भारत का जो ट्रायल था, ट्रायल रन चेन्नई के एमजी रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ था, तो दक्षिण भारत के दो दिन के दौरे पर